हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वीआई की सिम में रिचार्ज ख़त्म होने पर बार बार मैसेज आता है। दिन भर में तो गाइस कई बार आ जाता है कि रिचार्ज ख़त्म हो गया, इतना वाला करवा लो। तो गाइस कैसे आप इसे बंद कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। मैं आपको दो तरीका बताऊँगा गाइस। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क या सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा नाम का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब देखिए, हमारे फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क लिखा है, आपके फ़ोन में सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा या मोबाइल नेटवर्क नाम से ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सिम वन और सिम टू दोनों मिल जाएंगे। जिस सिम में आपकी लगी है वीआई की सिम, आपके फ़ोन में एक सिम अगर है वीआई की है तो भी कोई बात नहीं, तो उस सिम पर आपको क्लिक कर देना है जो वीआई की है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे। अब गाइस, अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, अगर ख़त्म होने वाला है तो ख़त्म होने के बाद आपको ये करना है, अगर ख़त्म हो गया है, कुछ दिन हो गए हैं, जैसे कि अगर एक हफ्ता हो गया है, तो फिर आपके फ़ोन पर आउटगोइंग इनकमिंग दोनों बंद हो गए होंगे, तो फिर आपको ऐसा करना है, जो यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन है इसे बंद कर देना है। इस तरीके से आपके फ़ोन से देखिए नेटवर्क चला जाएगा और अब इस सिम पर एक भी मैसेज नहीं आएगा। ये आपको कब तक ऐसा करके रखना है, जब तक कि आप रिचार्ज ना करवा लेते हैं। जैसे ही आप अपने सिम का रिचार्ज करवाने जाएं या फिर करवा लेते हैं, तो यहाँ से इसे फिर से आकर इसी ऑप्शन पे चालू कर देना है। जैसे ही चालू करेंगे मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि आपकी सिम यहाँ पर रिचार्ज हो गई रहेगी इसीलिए। तो इस तरीके से आप गाइस देखिए मैसेज को बंद कर सकते हैं। काफ़ी आसान और सिंपल तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है गाइस, वो भी सिंपल है। आप जैसे ही अपने सिम को रिचार्ज करवा लेते हैं, आपके सिम पर मैसेज आना बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।